क्या यह पूरा मामला वोट बैंकों में सिमटा हुआ आपको दिखाई नहीं देता? और अगर वोट बैंकों में सिमटा हुआ है तो फिर क्या अगर वोट बैंकों की राजनीति में कुछ गलत हो रहा है और देश का हित नहीं सध रहा है तो क्या उसे सही जगह पर उसका करेक्शन करने की जरूरत नहीं है क्या? ये कोर्स करेक्शन कुछ जगहों पर ये क्यों समझा जाता है कि कभी हो नहीं सकता या किया नहीं जा सकता? धर्मांतरण को लेकर कोर्स करेक्शन करने की जरूरत की कोशिश की गई है। यूपी में धर्मांतरण कानून लाया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि लालच में, दबाव में और कई बार कई पैतरे होते हैं, मसलन विवाह कर लिया और विवाह के बाद यह कहा गया कि अब आप इसको धर्म को अपनाइए, इस सब पर रोक लगाने के लिए, जैसे शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन अवैध है यह स्पष्ट किया गया और इसको लेकर अब वहां पर कितने लोग जागरूक हैं, समाज तक परकोलेट कितना हुआ, यह एक सवाल है। धर्म छिपाकर शादी पर 10 साल की सजा, क्योंकि कई जगहों पर यह स्पष्ट ही नहीं किया जाता था, पहचान कुछ और रखी जाती थी, कई बार सोशल प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया जाता है, 15,000 से 50,000 तक का जुर्माना इसमें संभव है और धर्म परिवर्तन के लिए डीएम से मंजूरी जरूरी है, धर्मांतरण करने कराने वाले को अनुमति चाहिए। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी सजा और जुर्माना है, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर संगठन पर केस किया जा सकता है सांगठनिक रूप से अगर ऐसा किया जा रहा है तो। लेकिन सवाल यह है कि इन सब के होते हुए ये सारी चीजें थी, हम सेकुलर कंट्री थे, हमारे यहां सबको सब एक तरीके का भाव था, हम यही मानते हैं और यही देखते आ रहे हैं, हमारा संविधान यही कहता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या उसमें एम्बिग्विटी की गुंजाइश है। इसका जवाब अब भी आना बाकी है लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं 70 साल में क्या हुआ, जरा ये देख लेना बहुत जरूरी है। शादी के नाम पर ये नेक्स्ट दिखाइए, इसमें 70 साल में डेमोग्राफी का क्या हाल है, ये बहुत जल्दी से मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या हुआ है, हिंदू कहां थे, कहां हैं, बाकी धर्मावलंबी कहां थे और कहां हैं, और इससे कोई पिक्चर मिलती है क्या? ये जरा देखिए, धर्म परिवर्तन पर सख्त कानून कब कहां कैसे लागू हुआ है, उड़ीसा में कब से है, मध्य प्रदेश में 1968 से, मतलब ये पुराने कानून, ये अरुणाचल प्रदेश में 1978 से कानून वहां लागू है, लेकिन कानून अपना काम कर पा रहे हैं क्या? और कानून के होते हुए अगर ऐसा हो रहा है और डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है तो क्या यह चिंता का सबब नहीं है? जरा देखिए क्या हुआ है 70 साल में डेमोग्राफी का हाल, 1951, 61, 71, 91, अगर ऐसा आप आते चले आएंगे और 2001 तक आएंगे तो आप देखेंगे 84.1 से 83.4% लगातार आपको डिक्लाइन दिखाई देगा, 82.7%, 81.6, 80.5 और आखिर में 79.8 2011 के सेंसस के मुताबिक। और इधर मुसलमान जनसंख्या देखिए 9.8%, 10.4%, 11.2%, 12.6%, 13.4%, 14.23%, और इसके बाद भी कई लोग ये रोते हैं कि यहां दूसरे धर्म के मानने वालों को कई बार मेजॉरिटी की तरफ से सप्रेस किया जाता है और ये कई बार कहा जाता है सीमा पार से, और उनके स्वर कई बार यहां मैच करते हैं कुछ एक रुदालियों से हिंदुस्तान में। ऐसा क्यों होता है, क्या इस रोशनी में, और जो गांधी जी का हवाला देते हुए 3 बिंदु अभी आपको अवधेश जी ने गिनाए, क्या उसकी रोशनी में कोई देखने के लिए तैयार है, हकीकत क्या है मुदित जी? जी पहली बात देखिए, आपने सारा जो मैंने बोला उसको गलत तरफ मोड़ लिया, मुझे नहीं पता क्यों गलत तरफ मोड़ा। मैंने ये कहा था जरूर धर्मांतरण की कॉन्स्पिरेसी होती है हिंदुस्तान में, लेकिन कॉन्स्पिरेसी को रोकने का तरीका सरकारों के पास तो है, उन पे लीगल एक्शन लेके उनको जेल पे डालिए। क्यों नहीं डालते जेल पे, मैं बताता हूँ क्यों नहीं डालते ये जेल पे, इनको धर्मांतरण से कोई मतलब नहीं है, बीजेपी को सिर्फ इसके नाम पे वोट चाहिए। क्यों नहीं इन्होंने पिछले 7 साल में योगी जी ने 5 साल में कितने लोगों को जेल में डाला? आपने इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, कॉन्स्पिरेसी होती है, आपने इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, कॉन्स्पिरेसी होती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।